वेलकम टू नादियास किचन। कैसे हैं आप सब जी? यकीनन ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज बन रही है जी बहुत ही ज़बरदस्त सी कटलेट्स की रेसिपी। तो चलें जी देखते हैं आज की रेसिपी कैसे बनती है और इसके लिए हमने किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है। 2 किलो हमने आलू ले लिए हैं छिलका उतार के, बस इसी तरह से मैंने साबुत आलू काट के उबाल लिए हैं। हरी प्याज ली है 2 कप है, कॉटेज चीज़ ली है हसबे ज़रूरत, नमक 1 टीस्पून, हरी मिर्चें हैं 5-6 हैं चॉप की हुई, और ये हमारे पास चेडर चीज़ है। आपने चेडर चीज़ ही यूज़ करना है, मोज़रेला नहीं यूज़ करना। तो चलें जी आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो ये देखें जी आलू हमारे मैश हो गए हैं, तो अब हम डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। तो चलें जी हरी प्याज डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे 4 से 5 हैं चॉप की हुई हैं, नमक डालेंगे 1 टीस्पून भर के डाला है। तो ये जो कॉटेज चीज़ हमने लिया था इसको हम इसी तरह से हाथों से अच्छी तरह से मसल लेंगे। तो वैसे तो इसमें सिर्फ नमक ही जाता है, लेकिन हम इसमें काली मिर्च भी डालेंगे, ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो ज़रूर डालें। ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून है, ये कुटी हुई है। अब जाएगा इसमें चेडर चीज़ 1 कप, अंडा हमने ले लिया है, 1 से 2 इस्तेमाल होंगे अंडे, फ़िलहाल मैंने 1 ही लिया है, ज़रूरत पड़ने पे हम दूसरा भी इस्तेमाल करेंगे। तो जी ये होममेड ब्रेड क्रम्स हैं, तो अंडा लगाएंगे, ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स में भी थोड़ा बहुत कोई अगर स्पाइसेस डालना चाहते हैं तो डाल लें, मैं नहीं डालूंगी। अगर कुछ लोग ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो ये उनके लिए। तो जी हमने इसमें एक और अंडा तोड़ के डाल दिया, तो अभी हमें ज़रूरत थी तो इसलिए। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाएं, उनको बहुत पसंद आएंगे। घर में बनाएं मेहमानों के लिए, यकीनन आपको हमारी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। ये देखें जी हमारे डबल चीज़ आलू टिक्की रेडी हो चुकी है। 2 अंडे हमने यूज़ किए थे तो उसमें से भी बच गया है, ये 2 दर्जन बन गई हैं। तो अभी हम इसे फ्रीज़र में रखेंगे और फिर हम इसे एयर टाइट डब्बे में डाल देंगे जब ये सेट हो जाएंगी। तो आप भी इस तरह से बना के इनको फ्रीज़ करें, बच्चों को दें, ख़ुद भी खाएं, फैमिली वालों को खिलाएं। ऑयल हसबे ज़रूरत डाल लेंगे, शैलो फ्राई करना है। अब हम इसे शैलो फ्राई, देखें जी हमारे डबल चीज़ आलू टिक्की पे कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आ चुका है। तो बस इसी तरह से हम इसे गोल्डन होने तक कुक करेंगे और निकाल लेंगे। साइडों पे अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है, क्योंकि आलू भी बॉयल हैं, कोई चीज़ पकाने वाली तो है नहीं है, सिर्फ इसको गोल्डन कलर आना है। और हम इस तरह से निकाल लेंगे आलू टिक्की। चलें जी तो आज की ज़बरदस्त सी डबल चीज़ आलू टिक्की रेडी हो चुकी है, रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं। हम आपको तोड़ के दिखाते हैं, देखें अंदर से
कितनी अच्छी सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी सी डबल चीज़ आलू टिक्की रेडी हो चुकी है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है और कमेंट करके बताना है। छोटी सी वीडियो के लिए बहुत सी मेहनत करनी पड़ती है और आपके अच्छे अच्छे जब कमेंट्स आते हैं तो बहुत दिल खुश होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फिर मिलेंगे जी एक नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।